वहाँ एक लड़की थी, तो वो रेडी होके जा रही है, उसकी दोस्त थी, मतलब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो दूसरे रूम में रहती थी, आपको पता है यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना। वो दो दोस्तें थी, मैंने उनकी बात सुनी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, उनकी भी लाइफ है। वो कहती कहाँ जा रही हूँ, उसने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, उसने कहा कि अच्छा तुम जा मेहरान पे रही हो, तुम वापसी में ना ऑडी लेके आना। लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी आजकल यही हो रहा है। नाजरीन इकराम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जारी कई साल से मकरूह धंधा जो बिलाआखिर अब आकर बेनकाब हुआ है में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जहां कुछ लड़कियां जो पास होने या ग्रेड अप करवाने के लिए अपने जिस्म को खुद नीलाम करने पर तैयार रहती, तो वहीं बहुत सारी तालबात को हकीकी मायनों में ब्लैकमेल किया जा रहा था। और बिलाआखिर ब्लैकमेलिंग फिर इस हद तक बढ़ जाती कि इन लड़कियों को बाकायदा तौर पर सियासतदानों और आला अफसरान की ख्वाहिश पर या कभी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तोहफतन पेश किया जाता। भेजते हैं वेबसाइट पे भेजते हैं, या उनका आगे एक ग्रो होता है जिनको वो लड़कियां पसंद करवाते हैं कि ये देखें ये लड़की है। एक वीडियो से फिर जब वो पसंद हो जाती है, फिर उसी लड़की को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम अगर हमारे पास नहीं, उसको मजबूरन आना पड़ता है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुलविस होने के साथ साथ इसमें काफ लीग के सीनियर रहनुमा और मौजूदा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के बेटे वलीदात चीमा का नाम भी सर फहरिस्त है, जिस पर मरूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने स्टोरी की और फिर उन्हें जान की धमकियों का भी सामना है। वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी।